चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग वायरस से संबंधित क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपको पिछले वीडियो मिल जाएगा, वीडियो अपलोड कर दिया गया है और उस वीडियो का आप आसानी से देख सकते हैं। और देखने के बाद उसमें से जितना भी मैंने आपको रिवाइज कराया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पर वायरस संबंधित कितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 150 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वायरस अ लैटिन वर्ड। वायरस मीन्स क्या है? वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? पॉइजन्स, डिजीज, मेडिसिन एंड मिनट क्रिएचर। हमने आपको पहली लाइन में बताया है कि वायरस एज अ वीनम आर पॉइजन्स, वीनम आर पॉइजनस फ्लूड होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, द टर्म वायरस वॉज गिवन बाई, वायरस टर्म किसने दिया था? जे लीडरबर्ग ने, लुइस पोस्टर ने, दमित्री वानोवास्की ने और आर एल सिमसर ने। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लुइस पाश्चर ने क्या किया था? वर्ड कॉइन किया था वायरस का। तो यहाँ याद रखिएगा, लुइस पाश्चर ने वर्ड कॉइन किया था वायरस का। वायरोलॉजी इज द स्टडी है, वायरोलॉजी हम किसका स्टडी करते हैं? हम लोग वायरसेस का स्टडी करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? अभी मैंने आपको बताया इसमें पहले क्लास में, जब वायरस में ना तो सेल पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होते, इसलिए क्या कहते हैं? ए सेलुलर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर का ए सही हो जाएगा, वायरस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे दोस्तों, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ चलेंगे हम लोग। Which is an exception to cell theory? Cell theory से किसको exception दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं किसको? Virus को। All viruses are entirely, जितने वायरस होते हैं entirely क्या होते हैं? Parasitic होते हैं, epiphytic होते हैं, symbiotic होते हैं और saprophytic होते हैं। तो epiphytic, saprophyte और symbiotic ये नहीं होते, क्या होते हैं? ये parasitic होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर में अगर ये रहेंगे वायरस तो डेथ क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। और जैसे किसी होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो क्या हो जाएंगे? लिविंग हो जाएंगे। तो सिक्स का क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। वायरस से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? तो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑल वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड, अ वायरस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम्स। तो इसमें देखिए, जो आरएनए और डीएनए होगा ये तो दोनों सब में नहीं पाए जाएंगे, किसी में आरएनए होगा किसी में डीएनए होगा, और जो वायरस होंगे वो दोनों कंटेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? बी गलत हो जाएगा। सी क्या है? न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड। कैप्सिड किसको कहते हैं हम लोग? इसमें जो प्रोटीन होता है प्रोटीन से बनता है कैप्सिड, और जबकि न्यूक्लिक एसिड उसका क्या होता है? जीनोम होता है। वायरस पोसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, नो वायरस पोसेस द होस्ट मेटाबॉलिक सिस्टम, नॉट ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवेंथ का ए सही हो जाएगा, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर एट है, वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय, वायरस किसने खोजा था? एम बेजरिंग ने, डब्ल्यू एम स्टैनली, दमित्री इवानोवस्की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रशियन साइंटिस्ट दमित्री इवानोवस्की डिस्कवर्ड द वायरस। क्वेश्चन नंबर नाइन है दोस्तों, द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड बाय, पहला वायरस सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, कहाँ किसमें किया गया था? एल्गल वायरस था, एनिमल वायरस था, बैक्टीरियल वायरस था और हायर प्लांट वायरस था। क्वेश्चन नंबर नाइन का क्या सही आंसर होगा? हायर प्लांट वायरस सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। और ये हायर प्लांट कौन सा होता है? आप जानते हैं TMV, टोबैको मोजैक वायरस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। तो ये टोबैको मोजैक वायरस क्या है? ये प्लांट वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु कॉल्ड वायरस एज अ कंटाजियम विवियम फ्लूइडम, कंटाजियम विवियम फ्लूइडम, इसमें से किसने कहा है वायरस को? तो ऐसा ये आंसर होगा, एम बेजरिंग ने। किसने? बाइजरिंग ने वायरस को कंटाजियम विवियम फ्लूइडम कहा है। वायरस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वायरसेस वर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म एंड क्रिस्टलाइज बाय, वायरस को पहले एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म में और उसका क्रिस्टलाइज किया गया था किसके द्वारा? डब्ल्यू स्टैनली द्वारा, एम बेजरवर्ग द्वारा, दमित्री इवानोवस्की द्वारा, अगस्ट एंड वाइजमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू एम स्टैनली के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू एम स्टैनली के द्वारा सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, द साइंटिस्ट फर्स्ट टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस, केमिकल कंपोजिशन वायरस को डिटरमाइन सबसे पहले किसने किया था? बाउडेन एंड पायरी ने किया था। किसने किया था? बाउडेन एंड पायरी। ये सब चीज मैंने आपको अभी शार्ट नोट्स जो प्रोवाइड किया है इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें मैंने आपको बताया है। इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ अ वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय द, इन्फेक्टिव पार्ट जो होता है वायरस को उसको किसने डिस्कवर किया था? तो आप जानते हैं, हर्से एंड चेज ने। किसने किया था? हर्से एंड चेज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ वायरल डीएनए कैन बी मेड, जो वायरल डीएनए होता है वो कैन बी मेड रेडियो एक्टिव बाई,
कल्चरिंग द वायरस इन अ मीडियम ऑफ P32, कल्चरिंग द वायरस ऑन अ मीडियम ऑफ पोटैटो डेक्सट्रोज एंड P32, प्रोवाइडिंग P32 टू द बैक्टीरिया विच हैज बीन इन्फेक्टेड बाय द वायरस एंड प्रोवाइडिंग P32 टू वायरस व्हेन दे आर अबाउट टू अटैच द बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोवाइडिंग P32 टू अ बैक्टीरिया विच हैज बीन इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज बाय द हर्शे एंड चेज टू प्रूव दैट DNA इज अ केमिकल बेसिस ऑफ अ हेरिडिटी? टोबैको मोजैक वायरस, सार्कोमा वायरस, T2 बैक्टीरियोफेज एंड कालीफ्लावर मोजैक वायरस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? T2 बैक्टीरियोफेज को उन्होंने यूज किया था। T2 बैक्टीरियोफेज हैज बीन यूज्ड बाय द हर्शे एंड चेज। क्वेश्चन नंबर 16, द वायरस इज कंस्टिट्यूटेड बाय, वायरस जो कंस्टिट्यूट होता है, वायरस में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, सही है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन एंड RNA ये भी होगा, और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि RNA जाएगा कहीं कहीं पे क्या हो जाएगा? DNA हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएंगे यहाँ पे, बाकी प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी। केमिकली वायरसेस आर, वायरसेस जो होते हैं केमिकली क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, और लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा, ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, जिसमें DNA अथवा RNA भी हो सकता, DNA होगा या फिर RNA होगा। वायरसेस पोजेस ऑर्गेनिकली फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन, आइदर DNA और RNA, नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या हो जाएगा? आइदर DNA और RNA, क्योंकि इसके अलावा वायरस में ऑर्गेनिली तो होती ही नहीं है, ठीक है। राइबोसोम जो ऑर्गेनिक होगी, तो राइबोसोम भी एक ऑर्गेन्स है, तो ये भी नहीं होगा, तो केवल क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा, जो DNA अथवा RNA के फॉर्म में होता है। वायरस कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग बिकॉज दे, वायरस को हम लोग लिविंग कंसीडर करते हैं, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल, रिस्पॉन्ड टू टच स्टिमुलस, कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैरी आउट एनरोबिक रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिप्रोड्यूस इन अ होस्ट सेल। जब वायरस किसी भी होस्ट सेल में एंट्री करता है, तो अपने नंबर को क्या करता है? बढ़ा लेता है ना, नंबर इंक्रीज करता जाता है, वहां पे हो जाएगा वायरस का रिप्रोडक्शन होता है, कहां पे? होस्ट सेल में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरस, वायरस के लिए इसमें क्या सही है? वायरस अकर्स ओनली इनसाइड बैक्टीरिया, गलत, कहीं भी आया जा सकता है। वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, तो आपका बी आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, नॉट इन अदर सेल, केवल वो होस्ट सेल में ही मल्टीप्लाई कर सकता है, बाकी अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता। क्वेश्चन 21 है, वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोजोम, बिकॉज वायरस बहुत ज्यादा जीवित नहीं होता आइसोलेटेड क्रोमोजोम में, क्यों? क्योंकि बहुत रिक्वायर द एनवायरमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लीकेट, क्यों? दोनों को एनवायरमेंट की आवश्यकता होती है, जो सेल के वो रेप्लीकेशन वहाँ पे कर सके। तो यहाँ पे 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वायरसेस, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, दे डू नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, दे लैक फंक्शनल एनाटॉमी, ऑल द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑल द करेक्ट। क्वेश्चन 23 है, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन द वायरस, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो होती है वो क्या होगी? बैक्टीरिया के लिए बनाई जाती है, किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए बनाई जाती है, तो इसलिए वायरस पे इफेक्ट नहीं करेगी। बिकॉज देखिए, और चारों ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कि वायरस हैव नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन, सिंपल सी बात है, वायरस बात क्या अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, उसका बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं फिलहाल। क्वेश्चन 24 की बात करेंगे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए, चाहे वो आप KBS के लिए दे रहे हो, NVS के लिए दे रहे हो, और DSSB के लिए हो, या UP की टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, उसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आज का ये क्लास रही है और होगी भी आगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक वर्सेस रिजेंबलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 24 के चार ऑप्शन दिए हैं, लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या वायरस में क्या होंगे? साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, ठीक है, लैक ऑफ रेस्पिरेशन, अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, तो वायरस में क्या होता है? अकरेंस ऑफ म्यूटेशन होता है। इसीलिए देखिए, जो कोरोना वायरस है क्या हो रहा है, आप लगातार न्यूज पेपर सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और उसका नया नया वेरियंट सामने आ रहा है। क्वेश्चन 20, इसलिए क्या होगा? म्यूटेशन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट वायरस, वायरस के लिए क्या ट्रू है? कि दे कैन बी फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट पैरासाइट, यही आपका क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन 25 का, दे आर
दे कैन भी नहीं, ये होते हैं। तो यहाँ ये क्या कहेगा, सॉरी यहाँ ये गलत हो जाएगा। दे हैव बोर्ड यानी रहने, ये भी दोनों नहीं होते हैं। दे लैक सेल ऑर्गेनली, ये आपका सही हो जाएगा कि उसमें क्या होगा, सेल ऑर्गेनली वायरस में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन इट्स ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट लैक द सेलर मशीनरी टू यूज इट्स जेनेटिक मटेरियल। इट हैज अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। नॉन ऑफ दिस, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इट लैक्स द सेलुलर मशीनरी टू यूज इट्स जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 27 है, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन फंजाई, एल्गी, वायरस एंड साइनो बैक्टीरिया। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 28 है, यू बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम वायरस इन प्रेजेंस ऑफ। बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस होता है, तो देखते हैं, साइटोप्लाज्म, टू न्यूक्लियस कॉजिंग डिजीज और ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है जबकि वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। क्वेश्चन 29 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर वायरस, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। वायरस कैन ग्रो इन डाइल्यूट शुगर सीरप इन वार्म वेदर, यह क्या आपका पहला ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वायरस में जब वायरस ए सेलुलर सब्सटेंस है तो क्या करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। वायरस आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोइड, ये सही है, न्यूक्लिक एसिड। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल, ये भी सही हो जाएगा। वायरस कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, ये भी सही, तीनों चीज़ें सही है, पर गलत क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, वायरस रेप्लिकेट ऑन, वायरस रेप्लिकेट करता है एगर सेल में, डेड टिश्यू में, लिविंग टिश्यू में, किसमें रेप्लिकेट करता है, लिविंग टिश्यू में। 30 का ऑप्शन नंबर सी। सो जो 31 है, फॉर सक्सेसफुल स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरस द माइक्रोस्कोप यूज्ड इन, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पोलराइज्ड एंड बायोनोक्युलर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 31 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम वायरस को देख पाते हैं। द स्मॉलेस्ट वायरस इज, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि पॉक्स वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, फूट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल, नॉन ऑफ दिस। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा फूट एंड माउथ वायरस ऑफ अ कैटल, खुरपका या मुंह पका के नाम रोग फैलाने वाले वायरस के होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, लार्जेस्ट वायरस इज, लार्जेस्ट वायरस क्या होगा यहाँ पे, पॉक्स वायरस, काली कोलीफेजिस लेमडा, पेनिसिलियम वायरस और वून ट्यूमर वायरस। सही आंसर होगा आपका पॉक्स वायरस। नाउ लेट्स गो अबाउट क्वेश्चन नंबर 34। द प्रोटीन कवर ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कवर होता है वायरस का। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, पूरा कैप्सिड किसका बना होता है, लिपिड का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का और कार्बोहाइड्रेट का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 35 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे हम लोग। कैप्सिड ऑफ अ प्रोटीन, द कैप्सिड ऑफ वायरस इज सिंथेसाइज्ड ऑन न्यूक्लियस ऑफ द वायरस, राइबोसोम ऑफ द होस्ट, माइटोकांड्रिया ऑफ द होस्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा आपका राइबोसोम ऑफ द होस्ट, जो भी सिंथेसिस का कार्य होगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या होगा दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसमें कहाँ होगा, वो राइबोसोम पे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो 36 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वायरसेस सिंथेसाइज दियर प्रोटीन कोड्स, वायरसेस सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन कोड को, बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड ऑफ द होस्ट, आउटसाइड ऑफ द होस्ट, इनसाइड द होस्ट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 37 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड द होस्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 38, द इनर कोर ऑफ द वायरस विथ जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ, द इनर कोर ऑफ द वायरस विथ जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चरली कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज वायरस, वायरॉइड्स, विरियोन और प्रोफेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विरियोन। वायरस क्या होंगे, विरियोन होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन एगर प्लेट मीडियम हैविंग बैक्टीरिया फेज एंड बैक्टीरिया देर आर क्लियर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड, उनके जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसको क्या, ट्रांसपेरेंट एरिया आर कॉल्ड होल्स, प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट पार्ट और बैक्टीरिया फेजेस। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर इज प्लेक्स कहेंगे। इन 41 इन फेजेस प्लेक कल्चर
होल वायरस इंटर्स इन द बैक्टीरिया एंड मल्टीप्लाइज, ओनली प्रोटीन ऑफ द वायरस इंटर्स एंड मल्टीप्लाई, ओनली डीएनए ऑफ द वायरस इंटर एंड मल्टीप्लाई, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली डीएनए ऑफ द वायरस इंटर्स एंड मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 42 न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन वायरस, वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 हर्पिस सिंप्लेक्स हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये हमने आपको जस्ट बताया है, तो आप जानते हैं कि हर्पिस वायरस क्या होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 43 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है जेनेटिक मटेरियल ऑफ 574 बैक्टीरियोफेज इज, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर नंबर ए इज राइट, राइट आंसर इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 45 इन रियो वायरस द जेनेटिक मटेरियल इज, रियो वायरस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यही होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए, सिंगल हेलिक्स डीएनए के, डबल हेलिक्स डीएनए और विदाउट न्यूक्लिक एसिड। तो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है, इसमें आरएनए होता है। नंबर 47 नेम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वेरियोला वायरस जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 48 है कोलीफेज टी टू हैज, कोलीफेज टी टू हैज 48 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सही आंसर है आपका, राइट आंसर इज 48, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 49 डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ मिलेगा, फाउंड इन बैक्टीरिया 174 बैक्टीरियोफेज एंड वोन ट्यूमर वायरस। 49 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बैक्टीरियोफेज प्रोसेस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। राइट आंसर इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आल टेल्ड बैक्टीरियोफेज हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस कंटेन्स एसएस आरएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए, सिंगल स्टैंड डीएनए एंड डबल स्टैंड डीएनए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डहलिया मोजैक वायरस हैज डीएनए, आरएनए, लिपिड, ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ कॉलीफेजेस इज, डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। राइट ऑप्शन इज 53, सॉरी राइट आंसर ऑप्शन इज 53 इज डीएनए, ओनली डीएनए नॉट आरएनए प्रेजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 इन विच वायरस डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, इन विच वायरस डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 55 ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी इज कंप्राइज ऑफ अ प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीआरएनए, आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 56 द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ रेबीज हाइड्रोफोबिया वायरस कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट इन रेबीज वायरस। क्वेश्चन नंबर 57 है प्लांट वायरस मे हैव फॉलोइंग एज देयर जीनोम, सिंगल आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 57 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन प्लांट वायरसेस दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट वायरस हैविंग ऑल द करेक्टर, नॉट इन वन वायरस दे हैव फाइंड ऑल द करेक्टर इन द प्लांट वायरस। क्वेश्चन नंबर 58 है द वायरस विच वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड वायरस इज पोलियो वायरस, साइनोफेज, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 58 डी, टोबैको मोजैक वायरस फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द दामात्री इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 द एब्रीविएशन टीएमवी यूज्ड फॉर अ वायरस डिजीज प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरियम इट इज अ वायरसेस,
वायरस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोजैक इज आरएनए डीएनए बोथ ए एंड बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 68 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आरएनए। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी क्या है? आरएनए। और आप जानते हैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, ये आप हेलिकल होगा, क्वाइल्ड होता है और नीचे एक हेक्सागोनल में बांधा होता है टोबैको मोजैक वायरस। क्वेश्चन नंबर 61 है टीएमवी कंटेंस टोबैको मोजैक वायरस कंटेंस डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस आरएनए और डीएनए प्लस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 61 राइट ऑप्शन इज आरएनए प्लस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 62 टोबैको मोजैक वायरस हैज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। 62 राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मोस्ट प्लांट वायरस आर आरएनए वायरस, मोस्ट एनिमल वायरस आर डीएनए वायरस, ये बोथ क्या है? दोनों सही हैं। टीएमवी हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, इट्स फॉल्स। टी फॉर बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इट्स ट्रू। तीन सही एक गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 टोबैको मोजैक वायरस इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज 300 × 220 नैनोमीटर, 300 × 20 नैनोमीटर। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन वन कैप्सोमियर ऑफ टोबैको मोजैक वायरस। क्वेश्चन नंबर 65 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 158। वायरसेस दैट ग्रो इन बैक्टीरिया सेल आर कॉल्ड टीएमवी प्लाज्मिड माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर 66 राइट ऑप्शन इज डी। वो ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन ऑफ यूपी डीएसएसबी केवी एंड एनवीएस आल्सो। क्वेश्चन नंबर 67 इज दैट बैक्टीरियोफेज इज द नेम गिवन टू, बैक्टीरियोफेज किसको नेम दिया गया है? ऑप्शन इज दैट एन ऑर्गेनेल ऑफ अ बैक्टीरियम, अ वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम, अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट हायर प्लांट सेल, अ बैक्टीरियम विच इन्फेक्ट एन एनिमल सेल। क्वेश्चन नंबर 67 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अ वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 68 द बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय द, दिस बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर्ड किया था किसने? राइट ऑप्शन इज टुवार्ड डी हेरेले ने, टुवार्ड एंड डी हेरेले ने। क्वेश्चन नंबर 69 बैक्टीरियोफेज आर सिमिलर टू फंगस, बैक्टीरियोफेज आर सिमिलर टू फंगस इन हैविंग सेल वॉल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इन हैविंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 69 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इन हैविंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 70 इज दैट बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली, प्रोटीन्स न्यूक्लियो प्रोटीन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 70 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियो प्रोटीन्स। द बैक्टीरियोफेज इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए इज इन हेड एंड टेल बोथ टेल ट्यूब, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए हेड। क्वेश्चन नंबर 72 टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर, जो टेल्ड बैक्टीरियोफेज होते हैं वो होते हैं आर नॉन मोटाइल, एक्टिवली मोटाइल इन वाटर, मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया, मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट लीव्स। क्वेश्चन नंबर 72 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 73 अ बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स टैडपोल शेप, रोम्बॉइडल शेप, ब्यूटीफुल राउंडेड शेप एंड एक्सट्रीमली इरेगुलर शेप। क्वेश्चन नंबर 73 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए टैडपोल शेप। क्वेश्चन नंबर 74 हेलिकल कॉन्टेक्टाइल सीथ इज फाउंड इन, नाउ क्वेश्चन नंबर 74 हेलिकल कॉन्टेक्टाइल सीथ इज फाउंड इन बाय वायरस फंजाई बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज, राइट ऑप्शन इज दैट बैक्टीरियोफेजेस। अ फेज दैट इन्वेड्स बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द होस्ट इज नोन एज सक्सटक्शन, फाइकोफेज, virulent phase and temperate phase. Question number 75 right option option number D temperate phase. Question number 76 phases that show lysogenic cycles are called temperate phase, virulent phase, lactic phase, lytic phase and all of these. Option number 76 right option is option number A temperate phase. Question number 77 prophase was discovered by Loaf and Gutmann, Hersey and Chase, Ginger and Lederberg, Loaf, Anderson and Jacob. Right option is 77, that Loaf and Gutmann. Question number 78, viral genome incorporate and integrate with bacterial genome is referred to as RNA, DNA, prophase, both A and B. Question number 78, right option is option number C, prophase. Question number 79,
हेरिडिटी मैटर्स ऑफ वायरस प्रेजेंट विथ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज इंट्रॉन, कैप्सिड, प्रोफेज एंड प्लाज्मिड. 79 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज. क्वेश्चन नंबर 80, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय बाउडेन एंड पेरी, स्मिथ एंड नाइट, सफरमैन एंड मॉरिस, जिंजर एंड लीडरबर्ग. क्वेश्चन नंबर 80 राइट ऑप्शन नंबर डी, जिंजर एंड लीडरबर्ग. क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इट्स लाइटिक फेज कैरीज सम ऑफ द डाइजेस्टेड बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स विद इट टू अनादर होस्ट सेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड. क्वेश्चन नंबर 81 राइट ऑप्शन नंबर डी, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन. क्वेश्चन नंबर 82, द प्रोसेस इन विच डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियम सेल इज ट्रांसफर्ड इन टू अनादर बैक्टीरियल सेल एज अ वायरस इज नोन एज. क्वेश्चन नंबर 82 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसडक्शन. ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसडक्शन. क्वेश्चन नंबर 83, द स्टेज फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ अ सेल बाय अ वायरस ड्यूरिंग विच द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल कैन नॉट बी मेड आउट इट्स फोर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एक्लिप्स फेज, ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्शन फेज, ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजेनिक फेज, ऑप्शन नंबर डी, मैचुरेशन फेज. 83 राइट ऑप्शन नंबर ए, एक्लिप्स फेज. क्वेश्चन नंबर 84, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय कॉस्मिड, एफ फैक्टर्स, फेज वैक्टर्स, प्लाज्मिक वैक्टर. राइट ऑप्शन नंबर 84 सी. क्वेश्चन नंबर 85, द प्रोसेस दैट कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ वायरस, प्रोसेस जो अब वायरस के एब्सेंस में नहीं हो सकती है, दैट इज कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसडक्शन. क्वेश्चन नंबर 86, समटाइम्स व्हेन अ वायरस अटैक अ बैक्टीरियम नाइदर द वायरस मल्टीप्लाइज नॉर द बैक्टीरियम डाइज, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज. क्वेश्चन नंबर 86, लाइसोजेनी. इट्स द राइट ऑप्शन इज लाइसोजेनी. क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसेंशियल फॉर पासिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज इनटू बैक्टीरियम, इज टिकोइंग एसिड, म्यूरामिक एसिड, स्यूडोम्यूरिन एंड फॉस्फाटाइडल ग्लिसरॉल. क्वेश्चन नंबर 87 राइट ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फाटाइडल ग्लिसरॉल. क्वेश्चन नंबर 88, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ दियर एप्लीकेशन द बैक्टीरियोफेजेस रियलाइज लाइसोजाइम. क्वेश्चन नंबर 88 राइट ऑप्शन नंबर डी, पेनेट्रेशन. During the penetration, it's used lysozyme to delete the sheath of bacteria. Question number 89, virus that infect bacteria multiplies and cause their lysis are called. ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और लाइसिस करके अपने को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होते हैं. क्वेश्चन नंबर 89 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइटिक कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, प्रोटीएज, लाइसोजाइम्स, नाइट्रोजिनेज एंड डिहाइड्रोजिनेज. क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लाइसोजाइम्स. एनवेलप्ड वायरस इन्फेक्ट इंटर्स द होस्ट सेल थ्रू, जो एनवेलप्ड वायरस होते हैं या वो इंटर्स कैसे करते हैं किसी होस्ट सेल में, तो इंडोसाइटोसिस, डायरेक्ट पेनिट्रेशन, इंजेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड, इंडोसाइटोसिस थ्रू केमिकल स्टिमुलेशन. क्वेश्चन नंबर 91 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट पेनिट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 92, न्यूरोमीडिएज इज प्रेजेंट ऑन द एनवेलप ऑफ न्यूरामिनिडेज इज प्रेजेंट ऑन द एनवेलप ऑफ टीएमवी, स्लो वायरस, हर्पिस वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस. आंसर नंबर डी इज राइट, इन्फ्लुएंजा वायरस. क्वेश्चन नंबर 93, साइनोफेजिस इज अ वायरस दैट अटैक, साइनोफेजिस इज अ वायरस दैट अटैक ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 94, साइनोफेजिस वर डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड, लीडरबर्ग एंड टैटम, ड्वार्फ एंड डी हेरेले, सफरमैन एंड मॉरिस. 93 राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 94 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सफरमैन एंड मॉरिस. क्वेश्चन नंबर 95, इन साइनोफेजेस द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, बोथ ए एंड बी. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डीएनए. क्वेश्चन नंबर 96, एल्गल वायरस आर, क्वेश्चन नंबर 96, एल्गल वायरसेस आर साइनोफेज, माइक्रोफेज,
फाइकोफेजेस एंड फाइटोफेजेस. राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी फाइटोफेजेस. क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन होस्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन. 97 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरॉन. क्वेश्चन नंबर 98 दैट विच वन ऑफ अ सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरसेस. 98 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इंटरफेरॉन. क्वेश्चन नंबर 99 द सब्सटेंस विच रिस्ट्रिक्ट वायरल री इन्फेक्शन वंस एनिमल हैव बीन इन्फेक्टेड बाई वायरस इज कॉल्ड. 99 ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन इंटरफेरॉन. क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज इंटरफेरॉन. इट इज अ सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल द सेल. इट इज सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बाय द सेल. इट इज सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू फंगल पैथोजन ऑफ दिस. राइट ऑप्शन 100 बी इज द राइट ऑप्शन. That is, it is a secretion in response to viral infection by the cell. Question number 101, against which of the following Dutch Interferon Act? Interferon kis par act karta hai? Kiske against? It's a virus. Question number 102, interferons are synthesized in response to fungi, bacteria, viruses and माइक्रोप्लाज्मा. 102 का सही और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 103, ये इंटरफेरॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय टेनिम एंड बाल्टीमोर, जिंडर एंड लीडरबर्ग, सफरमैन एंड मॉरिस, आइजाक एंड लिंडमान. क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइजाक एंड लिंडमान. क्वेश्चन नंबर 104 है, इंटरफेरॉन इज, इसमें देखिए इंटरफेरॉन क्या है. क्वेश्चन नंबर 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एनिमल्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी. राइट ऑप्शन इज 104 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एंटीवायरल. क्वेश्चन नंबर 105, केमिकली इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड. आंसर नंबर बी इज राइट, ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 106 दैट इफ अ पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इन हिज बॉडी द चांसेस आर दैट ही गॉट अ इन्फेक्शन ऑफ टिटनेस, मलेरिया, टाइफाइड एंड मीजल्स. राइट आंसर इज ऑप्शन 106 का मीजल्स. बाकी टिटनेस, टाइफाइड एंड मलेरिया, मलेरिया ये किससे होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया से, जबकि मीजल्स क्या होता है, वायरस से होता है. मम्स इज अ फंगल डिजीज, वायरल डिजीज. ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वायरल डिजीज. क्वेश्चन नंबर 108, एड्स डिजीज वार रिपोर्टेड फर्स्टली इन. एड्स सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट किया गया था, यूएसए. एड्स डिजीज रिपोर्ट वाज रिपोर्टेड फर्स्टली, एड्स डिजीज सबसे पहले रिपोर्ट कब की गई थी, कहाँ पे, इट्स ए यूएसए. क्वेश्चन नंबर 109, एड्स इज कास्ट बाय फंगस, वायरस, हेल्थ एलिमेंट्स एंड बैक्टीरिया. राइट ऑप्शन इज बी, एड्स वायरस हैज सिंगल स्ट्रैंड डीआरएनए, डबल स्ट्रैंड डीआरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए. राइट ऑप्शन इज 110, ऑप्शन नंबर ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. इट्स अ रेट्रोवायरस और रियोवायरस. क्वेश्चन नंबर 111 इज हाइड्रोफोबिया कास्ट बाय द पॉक्स वायरस, हर्पिस वायरस, रैबडो वायरस एंड पिकोरना वायरस. 111 राइट ऑप्शन इज रैबडो वायरस. क्वेश्चन नंबर 112, स्मॉल पॉक्स इज अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज एंड डिफिशियंसी डिजीज. तो राइट ऑप्शन इज स्मॉल पॉक्स या वायरल डिजीज. क्वेश्चन नंबर 113, वेरियोला वायरस इज कॉल्ड ऑन्कोजिन वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, रेबीज वायरस, ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 113 का राइट ऑप्शन इज स्मॉल पॉक्स वायरस इज नोन एज वेरियोला वायरस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिकन पॉक्स इज कास्ट बाय हर्पिस वायरस, एडनोवायरस, SV40 वायरस एंड वेरिसेला वायरस. क्वेश्चन नंबर 114 इज ऑप्शन नंबर डी वेरिसेला वायरस. क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ट बाय वायरस. क्वेश्चन नंबर 115 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पोलियो वायरस. पोलियो एंड रेबीज आर कास्ट बाय वायरस. पोलियो और रेबीज किससे होते हैं, वायरस होते हैं. विच वन इज नॉट अ वायरल डिजीज इन मैन. इसमें से कौन सा जो वायरल डिजीज मैन में नहीं, पहला क्या है, सिफिलिस है, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू फीवर है एंड कॉमन कोल्ड है. राइट ऑप्शन इज 117 का ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस. क्वेश्चन नंबर 110, विच आर द फॉलोइंग इज अ डर्मोट्रॉफिक वायरल डिजीज.
क्वेश्चन नंबर 110 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है एड्स, बी है रेबीज, सी है मीजल्स, डी है इन्फ्लुएंजा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मीजल्स। क्वेश्चन नंबर 119, कॉमन कोल्ड इज कास्ट बाय रुबेला वायरस, रुबेला, राइनो वायरस एंड पोलियोमा वायरस। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 120, ऑल आर न्यूरोट्रॉपिक वायरल डिजीज, इसमें से कौन से न्यूरोट्रॉपिक वायरल डिजीज हैं? जैसे पोलियो, रेबीज, एंसेफेलाइटिस, हर्पीस सिंप्लेक्स। 120 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, हर्पीस वायरस। क्वेश्चन नंबर 121, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स इज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ अस्थमा इज कास्ट बाय द वेरियंट ऑफ न्यूमोकोकस न्यूमोनी इज कास्ट बाय अ वेरियंट ऑफ द कॉमन कोल्ड वायरस, कोरोना वायरस। ऑप्शन नंबर 121 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, द वायरस विच रिप्लिकेट इन एन आर्थोपोड द इंटरमीडिएट होस्ट एंड देन गोज इट्स परमानेंट होस्ट द वर्टिब्रेट्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्बो वायरस। क्वेश्चन नंबर 123, अर्बो वायरस काजेस मलेरिया, फलेरियासिस, डेंगू फीवर, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 120 का, क्वेश्चन नंबर 120 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेंगू फीवर। क्वेश्चन नंबर 124, द डिजीज कास्ट बाई वायरस विच इज 12 नैनोमीटर इन साइज एंड कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज एड्स, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। हु इज क्रेडिटेड टू सो दैट वायरसेस आर द काज ऑफ कैंसर? रेनाटो डलबेको, ग्रेगर मेंडल, एम एस स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन इज रेनाटो डलबेको। क्वेश्चन नंबर 126, अकॉर्डिंग टू रिग्रेसिव थ्योरी वायरसेस माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फंजाई, एल्गी, प्लाज्मिड। किससे? प्लाज्मिड, ब्लू ग्रीन, एल्गी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 126 का सी। क्वेश्चन नंबर 227, द लेटेस्ट व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ वायरस इज दैट। लेटेस्ट व्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 127, द लेटेस्ट व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ वायरस इज दैट। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दे आर मॉडिफाइड प्लाज्मिड विच आर फ्रैगमेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड टू ऑफ द होस्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 128, आरएनए पार्टिकल्स काजिंग सिम्पटम्स लाइक दैट ऑफ वायरल डिजीज आर नोन एज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में क्या है? पहला वायरॉन, वायरॉइड्स, प्लाज्मिड एंड फैगोसिस, प्रोफेजेस। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, वायरॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 129, आरएनए पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन सीथ आर वायरॉइड्स, वायरसेस, रिगेटाइज एंड माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वायरॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 130, वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय वायरॉइड किसने खोजा था? डाइनर, लॉफ, स्टैनली एंड इवानोवास्की। क्वेश्चन नंबर 130 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, डाइनर। क्वेश्चन नंबर 31, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बींग वायरॉइड्स, वायरस डिफर होते हैं किसकी वजह से? नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली, नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल ओनली। ऑप्शन नंबर सी है, नेकेड डीएनए पैक्ड विथ वायरल जीनोम, सैटेलाइट आरएनए पैक्ड विथ वायरल जीनोम। क्वेश्चन 131 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वायरॉइड्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इंक्लोज्ड बाय द प्रोटीन कोट। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइडेड, which of the following is a devoid of protein coat with their body constitute only RNA? Question number 133, right option आपका mumps virus, polioma virus, tobacco mosaic virus, potato spindle tuber viroids. Right option option number B. Question number 134, which of the following viruses has circular single stranded DNA? 134 right option हो जाएगा viroids, slow virus, Gemini virus. Question number 135 है, प्रियोन्स आर ऑल्सो नोन एज, प्रियोन्स को और क्या कहा जाता है? स्लो वायरस, सेटेलाइट वायरस, जेमिनी वायरस एंड इनकम्प्लीट वायरस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का ए, स्लो वायरस। क्वेश्चन 136, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ मैड काउ डिजीज इज वायरस, प्रियोन, वॉर्म, बैक्टीरियम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, प्रियोन। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज रिलेटेड टू द बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी?
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 137 का, क्वेश्चन नंबर डी, क्रूड जेफील्ड जैकब डिजीज। क्वेश्चन नंबर 138, हु डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन RSV। क्वेश्चन नंबर 138, राइट ऑप्शन इज स्मिथ, टेमिन, ट्वार्फ एंड मेयर। राइट ऑप्शन इज बी, टेमिन। क्वेश्चन नंबर 139, रेट्रोवायरस हैज स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 139, रेट्रोवायरस हैव अ स्पेशल एंजाइम दैट ट्रांसलेट होस्ट डीएनए, पॉलीमरेज होस्ट डीएनए, डिसइंटीग्रेट होस्ट डीएनए और ट्रांसक्राइब वायरल डीएनए टू cDNA। ऑप्शन नंबर 139 डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40, सर्टेन आरएनए वायरस कैरी अ जीन फ्रॉम द एंजाइम्स दैट वायरल आरएनए एंड एज अ टेम्पलेट इन अ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। दिस एंजाइम इज वायरल न्यूक्लियसेस, आरएनए रिप्लिकेजेस, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि ये रिट्रोवायरस की बात कर रहा है। क्वेश्चन 141, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस कौन से स्टेटमेंट गलत है? तो रिट्रोवायरस आर कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन नंबर बी है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रिट्रोवायरस, यही क्या होगा राइट ऑप्शन जगह पर, ये गलत है। मतलब कहने मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो पूछा क्या है, गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 142 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग एन इंस्टीट्यूट ऑफ एंड इट्स लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 142 राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये करेक्टली मैच्ड है, बाकी अनमैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 143, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन ह्यूमन इज थ्रू स्पर्म ऑफ फादर, प्लेसेंटा ऑफ मदर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा ऑफ मदर। क्वेश्चन नंबर 144 इज इंटरफेरेंस सप्रेसेस दैट पैथोजेनिक एक्टिविटी इज वायरसेस। राइट ऑप्शन इज वायरसेस। क्वेश्चन 145, आर वायरसेस कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम्स, प्रोटीन कोड, जीन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड कोड, कैप्सिड, जीन एंड राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 145 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, यही होते हैं वायरस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे, 146 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलिटी ऑफ 574 बैक्टीरियोफेज एंड 174 एंड बैक्टीरियोफेज M13, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सिंगल स्टैंडर्ड। राइट ऑप्शन इज ए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दोस्तों यहां तक हमने आपको आज 146 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया वायरस से, इससे ज़्यादा वायरस और कहीं कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप लोग पूरा वीडियो देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो हमारी मेहनत को भी देखते हुए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है दोस्तों।